नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका प्रातः दर्पण न्यूज में। मैं आपके साथ मेघा राघव। दर्शकों, नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। और आज जब भारत के उस स्वास्थ्य और वेलबींग के इतिहास को हम देखते हैं तो कुछ बातें अपने आप में अनकही सी हैं, लेकिन फिर भी इस मंच पर आज कहना चाहूंगी। जब इस मंच पर हम आए तो मेरा पहला प्रश्न कोटेटा जी से था कि हाल फिलहाल में एक खबर आई किस प्रकार से कार्डियोथोरेसिक ब्रीदिंग करनी चाहिए और उसे साइंटिफिक जर्नल्स में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खूब चर्चा में देखा गया। लेकिन कार्डियोथोरेसिक ब्रीदिंग की उस चर्चा में जब फोटोग्राफ्स बाहर आए तो जितने हिंदुस्तानी हैं उन्होंने उस फोटोग्राफ को देखकर कहा, अरे ये तो प्राणायाम है। तो जब हमारे देश में प्रधानमंत्री जी ने इस विषय को प्रस्तुत किया कि आए हम सब इस बात को समझें कि वेलबींग और होलिस्टिक हेल्थ जो अब एक ग्लोबल फिनोमेना है, वो हमारे लिए यूनिवर्सल वे ऑफ लाइफ सदियों से सिविलाइजेशनली रह चुका है। मैंने कोटेजा जी से आग्रह किया कि कल्चरल कब्जा ना हो प्राणायाम पर, इसका आप ध्यान दें। आज जीआई का जमाना है और ये जीआई हिंदुस्तान के पास रहे, इसकी आप चिंता निश्चित रूप से करेंगे। होलिस्टिक वेलबींग और ग्लोबल हेल्थ के मार्केट साइज को अगर देखें तो आज ये समझ में आता है कि वर्तमान का आयुर्वेद का मार्केट साइज 1,00,000 करोड़ रुपया है। और आज शायद महिला बाल विकास मंत्री के मुख से मार्केट साइज की बात सुनकर आपको अटपटा लगता होगा, लेकिन सत्य यह है कि जो इकोनॉमिक फोर्स है एक मार्केट के पीछे, वो कई बार डिटरमिन करती है कि कंज्यूमर किस ओर खींचा जाएगा। कार्डियोथोरेसिक ब्रीदिंग की बात कही तो ये भी सत्य है कि आजकल कई कॉफी एस्टेब्लिशमेंट में ट्यूमरिक लाते भी पाया जाता है। वर्षों पहले जब माँ हल्दी का दूध पियो कहती थी तो कितने बच्चे हैं जो नाक चढ़ा देते थे, और आज कितने हैं जो बड़े प्रेम से जाकर ट्यूमरिक लाते पीते हैं। लेकिन इसमें एक चिंता और चिंतन का विषय ये है, व्हाट इज इट अबाउट आवर ओन वे ऑफ लाइफ दैट वी कुड नॉट प्रोपगेट वेल इनफ टू आवर ओन यूथ और द यंगर जनरेशन। निश्चित रूप से इस विषय में आयुष मंत्रालय भरसक प्रयत्न कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, जिनके लिए वो हम सब के अनुग्रह और आभार के पात्र हैं। बट द रीजन व्हाई आई एम ब्रिंगिंग दिस इशू अप टुडे इज दिस, व्हेन वी टॉक अबाउट होलिस्टिक हेल्थ, व्हेन वी टॉक अबाउट अ ग्लोबल इकोनॉमिक फोर्स दैट इज नाउ आयुर्वेदा, वी नीड टू ऑल्सो रिकग्नाइज दैट आर एंडेवर्स विद इन एडमिनिस्ट्रेशन इज टू इंश्योर दैट देर इज इनफ scientific data and comparison available for us to forcefully put forth the impact of Ayurveda. और इसलिए आज जब महेंद्र भाई अपने उद्बोधन में उल्लेख कर रहे थे various elements की, जिसकी वजह से महिला और बच्चे के maternal और child health के संदर्भ में आयुष मंत्रालय ने काम किया है, मैं particularly आप सबका ध्यान आकृष्ट करूंगी। कुटेजा जी, आप सबके उस सहयोग और आप सबके उस प्रयास के प्रति जो बच्चे और अनीमिया से संबंधित है, आपने ICMR के ट्रेडिशनल मेडिसिन का जो वर्टिकल है उसके साथ पार्टनरशिप करके बेलगाम में एक स्कूल में अनीमिया से ग्रस्त बच्चों के मध्य में द्रक्षा देवले का एक प्रयोग किया। जब आयुष मंत्रालय का ये प्रयोग शुरू हुआ ICMR के साथ पार्टनरशिप में, तो अनीमिया के इंसिडेंट्स 27% थे, और आपने मुझे लगता है 6 महीने बाद जब टेस्टिंग की तब इंसिडेंट्स 27% से घटके 1% तक सीमित रह गए। लेकिन प्रधानमंत्री जी का और हम सब का इंसिस्टेंस रहता है कि आपकी इस उपलब्धि पे ICMR का कहीं ना कहीं एक सर्टिफिकेशन जरूरी है, और इसीलिए कोटेचा जी प्रतिबद्ध हैं कि वो ICMR से जल्द ही
एक वेरिफाइड पेपर और पोजीशन प्रकाशित करेंगे ताकि ये उपलब्धि न सिर्फ राष्ट्र के सामने बल्कि विश्व के सामने हम लोग प्रस्तुत कर सकें।